बिहार में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि कोरोना के अंदर नए प्रकार की बीमारी का पता लगा है। इस बीमारी में कोरोना के जो मरीज हैं उन्हीं के कुछ मरीजों में इसका लक्षण देखने को मिल रहा है। इस संबंध में जो चिकित्सक और विशेषज्ञ हैं इस सारे विषय पर नज़र बनाए हुए हैं, सारे विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एकेडमिक विषय है। साथ ही उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा इसको लेकर भी नज़र रखे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बिहार के 27,000 संविदा कर्मी को लेकर कहा कि जो बुधवार से होम आइसोलेशन पर चले गए हैं, मैंने खुद 2 दिन पहले उनसे बात की थी और उनके जो प्रतिनिधि थे और जो प्रधान सचिव थे हमारे वो भी साथ थे और मैंने उनके प्रतिनिधि से कहा था कि अब बीमारी का नहीं महामारी का समय है और इस समय में सेवा की निरंतरता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। 1 मिनट के लिए भी आपके द्वारा सेवा से हटना मानव जीवन के लिए खतरा है और आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार बिल्कुल गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करेगी और हम मुख्यमंत्री से आपके जो भी जायज मांग होंगे उसके संबंध में बात करके पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मनाने का नहीं अब काम करने का विषय है, आज मानव जीवन को बचाने का विषय है, वो लोग हमारे व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। देखिए ये नए प्रकार के बीमारी की पता लगी है कोरोना के अंदर और कोरोना के जो मरीज होते हैं उन्हीं में से 4-5 लोगों में ये देखने को आया है। तो उस संबंध में जो चिकित्सक हैं विशेषज्ञ हैं वो सारे विषयों पर नज़र रखे हुए हैं, सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं चूँकि ये एकेडमिक विषय भी है और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा कैसे होगा वो कर भी रहे। तो यानी तैयारी उसके लिए अभी पर्याप्त मात्रा में बिहार में है सर? हाँ, डॉक्टर लोग ने ही ये बात बताई, डॉक्टरों के ही ध्यान में आया ये चीज और डॉक्टर उस पर समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। 27,000 संविदा कर्मी सर हड़ताल पे चले गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे असर देखने? नहीं, देखिए मैंने 2 दिन पहले स्वयं उन लोगों से बात की थी और उनके जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को बिठाया था मैंने, मेरे प्रधान सचिव मेरे साथ थे और मैंने सभी को कहा था कि यह बीमारी का नहीं महामारी का समय और इस समय में जो आप सेवा दे रहे हैं उस सेवा की निरंतरता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। 1 मिनट के लिए भी सेवा से हटना मानव जीवन के लिए खतरा है और आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार बिल्कुल गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करेगी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके जो भी बात हैं आपके जो भी जायज मांग हैं उन मांगों के समर्थन में बात करके जो यथोचित मांगे होंगी उसको हम पूरा भी करेंगे, यह मैंने उनको आश्वासन दिया। विभाग के प्रशासन के लोग देख रहे हैं मामले को लेकिन मैंने मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई और मैं फिर अपील करता हूँ लोगों से, मनाने का नहीं काम करने का विषय, आज मानव जीवन को बचाने का विषय और वही लोग हमारे व्यवस्था के एक बड़े अंग भी है जिन लोगों ने लगातार काम किया है, उनकी जो कष्ट है उन कष्ट को हम दूर करते रहे हैं करेंगे लेकिन आज इसके चलते आमजन को कष्ट हो यह ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपील करता हूँ कि वो लोग काम पर वापस लौट लौटे। यार मीटिंग है, आपकी तरफ से भी घोषणा किया गया था पत्रकारों के लिए सर की फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है, अब अस्पतालों में जाने के बाद पता चल रहा है कि अब आप लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हमारे पत्रकार हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में तो मुझे सूचना दें इस पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि पत्रकारों को टीका लेने में काफी समस्याएं हो रही हैं। आखिर 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।